नमस्कार भैया बहनी, अपना पंचो देख रहे हैं विराट के पखेली बुलेटिन पूजा के साथ। खबर मऊगंज थाना क्षेत्र से है भाई, जहां के बराठा गांव में करंट लगे के कारण 13 वर्षीय किशोर के मौत हुई गई। मिली जानकारी के मुताबिक किशोर घरे से बहरे का रहा और यही समय यह हादसा हुई गया। गली में फैले बिजली के करंट में फंस के किशोर के मौत हुई गई। वहीं घटना के बाद शव का पोस्टमार्टम कराए के परिजनन का पुलिस सौंप दी नहीं भाई। एक घटना से गुस्सान ग्रामीण शव का थाने के सामने रखे के कार्रवाई के मांग करें। साहब एक बात बताइए, जब तक FIR दर्ज नहीं होगा तब तक नहीं होगा। मऊगंज से दिल दहलाए दे वाला मामला सामने आ वाला है, जहां पुलिस में ही सनसनीखेज आरोप लगे। अपने बताया दे कि युवती आरोप लगाएं कि पुलिस उनके भाई के साथ मारपीट करीन और जलावे तक के आरोप लगाएं। यह आरोप बकायदा वीडियो बनाए के युवती साफ तौर से लगाएं, जो ने वही लड़का के साथ मारपीट से लेके जलावे तक के आरोप लगाए। क्या बोले हैं? MBBS लगवाए हैं। हाँ। और एक से लगवाए हैं, गाड़ी घर से उठा के लाए हैं। हाँ, मारे हैं तुमको? कितने लोग मिलके मारे हैं? मारे नहीं हैं। हाँ। सिर्फ हीटर से जलाए हैं? अच्छा, तुम्हारे पर कार्रवाई करेगा वरना 5 लाख की चोरी कर। किस बात को लेके क्या हुआ है आपके साथ? सर, मेरे भाई को कॉलेज में फंसा दिया गया है सर, और उसको सेंटर दे भेज दिया गया। उसी की गुहार में लगा रही थी सर से कि मेरे भाई को बचा लीजिए, वो तो उसी नहीं है, जानबूझकर उसको TI और DSP फंसाए हैं, उसको SDOP जो है वो उसको जानबूझकर फंसाए हैं कोरेक्स में। वो कोई भी कुछ भी नहीं किया, जानबूझकर उसको फंसाया गया। कैसे ले गए थे आपके हॉस्पिटल से? कैसे सर, उसको सुबह 15 तारीख को सुबह 7 बजे उसको उठाए घर से ले आए, बोले पूछताछ के लिए तुमको ले चल रहे हैं। पूछताछ के लिए उसको घर से उठाए ले आए सर। यहाँ ले आने के बाद सर फिर उसको 2 घंटे बाद ही पुलिस हमारे घर फिर से पहुँच गई 9 बजे। मऊगंज में जो एक शिकायत प्राप्त हुई है उसको लेके हमने वहाँ पे SDP मऊगंज को शिकायत सौंपी है और उनको बताया है कि जो भी पक्ष हैं उनकी पूरी बात सुने, उसके पश्चात थाने का रिकॉर्ड चेक करें, थाने वालों से पूरी चर्चा करें और बाकायदा पूरी फाइल मेंटेन होगी। जब भी आरोपी को अरेस्ट किया गया है, मेडिकल हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हमको जांच प्रतिदिन दें, उसके बाद ही हम उसमें आगे कुछ कहने की स्थिति में रहेंगे। खबर रीवा से है, जहां संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक शिव सिंह बताए कि मोर्चा के राष्ट्रीय आह्वान में ही आज धरना प्रदर्शन करे के बाद महामहिम राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन कमिश्नर रीवा संभाग रीवा का सौंपी है भाई। जोने में बतावागा कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव संजय अग्रवाल 9 दिसंबर 2021 का संयुक्त किसान मोर्चा के नाम से एक पत्र लिखी, जोने में ही देश के किसानन का MSP कैसन मिली या सुनिश्चित की जाये। साथ ही सरकार यह वादा करे रही कि आंदोलन के समय किसानन माही लगे मुकदमा का तत्काल प्रभाव से लौटाए लीन जाये, पर दूसरे राज्यन माही कोनो मेर के कार्रवाई नहीं की गए। आपन वादा पूरा न करे के बजाय सरकार बीच किसानन के जख्म माही नमक छिड़के के काम करे नहीं भाई। कि हम शीघ्र जो शेष मांगे हैं किसानों की उनको पूर्ण करेंगे, लेकिन सरकार ने वादा खिलाफी किया है। 31 जनवरी 2022 को हम लोगों ने पूरे देश के अंदर विश्वासघात मनाने का काम किया है और इसके बाद हम लोगों ने ऐलान किया था कि मार्च में फिर से हम लोग, यदि सरकार ये अपना वादा पूरा नहीं करती है तो हम लोग फिर से मैदान पर आएंगे। तो हम लोग आज पूरे देश में रोष मना रहे हैं और जिस तरह से लखीमपुर खीरी घटना हुई, घटना में मुख्य आरोपी को कोर्ट ने जमानत दिया, उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपना मजबूत पक्ष नहीं रखा और उसके खिलाफ कहीं उच्च स्तरीय अदालतों में अपील नहीं किया, और जैसे ही वो आरोपी जेल से बाहर आया तो किसानों को धमकी दिया, उनके ऊपर हमला करवाया जो उसके साक्षी थे। तो इस तरह से, और जो MSP का मामला है उसमें अभी तक कमेटी नहीं बनाई गई, उन्होंने नहीं किया, जिसको लेकर हम लोग रोष मना रहे हैं। पूरे देश में आज ज्ञापन है और ये चेतावनी भरा राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन है कि हम लोग फिर से, यदि सरकार अपनी मांगों पर, लिखित जो मांगे सरकार ने पूर्ण करने के लिए वादा किया था, यदि उस पर सरकार वादा खिलाफी करती है तो हम लोग पूरे देश में फिर से साझा आंदोलन चलाने का काम करेंगे। ये आज ज्ञापन हम लोग। बुलेटिन की अगली खबर मऊगंज से है, जहां क्षेत्र के जनता के खातिर लगातार आवाज उठावे वाले मऊगंज के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना सम्मार का कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां कलेक्टर मनोज पुष्प से मिलिन।
ज्ञापन सौंपा गया कलेक्टर महानिदेशक को, क्या विषय थी, क्या मांगे? ज्ञापन नहीं, कुछ सामायिक हमारे क्षेत्र के मुद्दे थे, उसी सिलसिले में हमने कलेक्टर रीवा को बताने आया था। एक हमारे यहाँ विधानसभा क्षेत्र में जड़कू रोड पिपराही का मार्ग है जो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। वहाँ लगभग 10 से 15 हज़ार आदिवासी समाज का निस्तार है, जिससे कि आए दिन घटनाएं हो रही हैं, लोग प्रताड़ित हैं, धूल से सने हुए हैं, उसको निराकरण के लिए। बुलेटिन की अगली खबर सतना से है, जहां के कोलगामा थाना क्षेत्र के अंतर्गत माधागढ़ की यह घटना बताई जा रही, जहां से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां गाड़ी का ओवरटेक करे के लाने विवाद भा, जो ने माही जम के झूमा झटकी कीन गए। अपना बता दें कि नशे के हालत में पुलिस कर्मी से युवती और ओखर साथ ही झूमा झटकी करें खबर रीवा से है, जहां न्यायालय में ही उस समय हड़कंप मच गया जब एक आरोपी दुई मंजिल न्यायालय से कूद के पुलिस के कस्टडी से हथकड़ी सहित भाग निकला। अचानक पत्रकार रास्ते से गुजरत दिखिन तो पीछा कह के आरोपी का सड़क में गिरा दिन, जोने के बाद अधिवक्ता आरोपी का धैदा बोचिन और पुलिस का सूचना दिन। मौके में पहुंची पुलिस न्यायालय ले जाए के आरोपी का उनके न्यायालय में पेश कर दिन। का है कागा है? बुलेटिन की अगली खबर रीवा से रही, जहां चोराटा थाना के दादर गांव में भारतीय वायुसेना में अपन सेवा दे वाले अभिनव पांडे के सम्मान में ही भव्य रैली और सम्मान समारोह के आयोजन कीनगा। बतावा जाता है कि सेना के जवान नौकरी ज्वाइन करे के बाद पहली बेर अपने गांव पहुंचे हैं, जिनकर क्षेत्र के लोग गर्मजोशी के साथ स्वागत करें हवे। बुलेटिन की अगली खबर सिगरौली से है, जहां सिगरौली जिला में ही विधायक कप कबड्डी टूर्नामेंट के आयोजन कीन जाला हवे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के भारतीय खेलन का बढ़ावा दे के मनसा के अनुसार आज से कबड्डी के प्रतियोगिता के आयोजन कीन जाला हवे। विधायक कप का आयोजन पूरे मध्य प्रदेश में हो रहा है, उसी कड़ी में सिंगरौली में भी आज शुरू हुआ है और कई टीमें विधानसभा क्षेत्र सिंगरौली के अंतर्गत कबड्डी का प्रारंभ हुआ है और आज फाइनल भी होना है और 4 बजे से आज समापन की बेला में जितने क्षेत्र से हर पंचायत से हर गांव से बच्चे कबड्डी में भाग ले रहे हैं। खबर रीवा से है, जहां कलेक्ट्रेट कार्यालय में परियोजना अधिकारी संघ के साथ है महिला और बाल विकास विभाग में कार्यरत सैकड़न महिला और पुरुष विभागीय समस्या और वेतन विसंगति का लेके कलेक्टर के नाम से ज्ञापन सौंपी है। आज हम लोग महिला बाल विकास में परियोजना अधिकारी और सुपरवाइजर दोनों संयुक्त रूप से ज्ञापन दे रहे हैं कि हमारी जो काफ़ी समय से लंबित मांगे हैं, जिसमें हम लोगों का ग्रेड पे की बात है, काफ़ी समय से लंबित है शासन स्तर पर, इसके पूर्व भी हम लोगों ने मांग रखी थी सुपरवाइजर और परियोजना अधिकारी की, विकास खंड स्तर पर और सभी विभागों से सबसे कम ग्रेड पे है। तो ग्रेड पे हमारा पहला मुद्दा है, दूसरा आहरण और संवितरण अधिकार है, तीसरा हम लोगों का जो मैटर है, हमारे यहाँ कई सुपरवाइजर हैं जिनको लगातार 30-30 साल से संयुक्त मोर्चा संघ के साथ में हूँ और हम लोगों की जो मांगे हैं जो परियोजना अधिकारी द्वारा बताई गई वो सारी मांगे हम लोगों की जब तक पूरी नहीं होगी हम लोग लगातार हड़ताल पर रहेंगे और धरना। मैं संगीता श्रीवास्तव परीक्षा।